हालत खराब है। देश में सैलानियों की तादाद इस साल करीब 8.5% घटी है। पिछले 10 सालों में पहली बार टूरिस्टों की संख्या इतनी कम हुई है। पर्यटन मंत्रालय आर्थिक संकट और मुंबई हमले को इस गिरावट की वजह मान रहा है, लेकिन ये आंकड़े चिंता की वजह बन सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म से ही सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा आती है। अतिथि देवो भव, इंग्लैंड की कैथरीन के साथ घटी ये घटना बहुत कुछ बयान करती है। टूरिज्म मंत्रालय को अपने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के लिए आमिर खान से अच्छा ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिल सकता था, लेकिन आमिर का ग्लैमर भी इस साल टूरिस्ट को खींचने में कामयाब नहीं हो पाया। हीरो, देश के हीरो राजेश प्रताप, ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और भारत इन्हें सलाम करता है। इट्स अ वेरी बैड टाइम, इट्स प्रोबब्ली द वर्स्ट टाइम। नवंबर दिसंबर हैव नेवर बीन सो बैड। आंकड़ों के मुताबिक 2007 में टूरिज्म में 14% की बढ़त थी, जो 10 सालों में सबसे ज्यादा है। 2008 के लिए विश्व टूरिज्म संगठन ने 8% की ग्रोथ की उम्मीद जताई थी, लेकिन 26/11 के हमले की वजह से 5.5% पर ही अटक गई। फिर आर्थिक संकट और H1N1 ने 2009 में रही सही कसर पूरी कर दी और टूरिस्ट के आने में 8.6% की कमी आई। Compared from the 2007 to 2008 and 2009, every year the inbound queries are decreasing. We are losing a lot of business because 15% to 20% we are losing each and every year. Tourism Mantralaya ko umeed hai ki industry ki halat jald hi sudharengi. I am definitely hopeful. You will see things will be much better. टूरिज्म मंत्रालय कॉमनवेल्थ के भरोसे ही 2010 में 1 करोड़ विदेशी टूरिस्ट के भारत आने की उम्मीद कर रहा है। प्रार्थना गहलोत, दिल्ली।